9288 में खुश आमदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 45वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। अगरचे मुख्तलिफ सर्वेज जो हैं वो हिलरी को फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि ट्रंप की जीत को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालिया दिनों में उन्होंने अपनी रेटिंग को खासा बेहतर बनाया है। पाकिस्तानी इस इंतखाब को कितनी अहमियत दे रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों के नज़दीक 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो पाकिस्तानियों के ज़हन में सवाल है कि जो नया अमरीकी सदर होगा उसकी कुछ ख़ास किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो क्या होंगी। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से और रीजन के हवाले से नए सदर की, चाहे वो ट्रंप हों या हिलरी हों, उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी क्या होगी, और ख़ास तौर पर हमारा जो सिपेक है जिसको गेम चेंजर पाकिस्तान में कहा जाता है, इस हवाले से जो नया सदर है वो इसको किस तरह से देख रहा होगा और साथ ही साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात को कितनी अहमियत देगा नया सदर। तो पाकिस्तानी इस सारे मार्केट को इस अंदाज में देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये चीज़ें भी उठाएंगे और साथ ही साथ ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि जो पोलिंग का अमल जारी है किन स्टेट्स में किसका पलड़ा भारी है। जाहिर है ब्लू और रेड स्टेट्स अपनी अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी खासी अहमियत इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में तो बहुत कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। तारुफ में करवा देता हूँ मेहमानों का। जनरल एजाज ऐवान साहब तशरीफ़ रखते हैं, तजयकार हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप खुश आमदीद कहते हैं। आपदा हुसैन साहब तशरीफ़ रखती हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, साबिक सफ़ीर हैं, आपदा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आयशा तंजीम हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ हैं और एक लंबा अरसा अमेरिका में इन्होंने गुजारा है, कई इलेक्शंस कवर किए हैं। आयशा आपसे हम जरा जानेंगे कि किस माहौल में इलेक्शन हो रहा है, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास। और शाजिया जिशान हमारी एंकर पर्सन है, वॉशिंगटन में मौजूद हैं और इस इलेक्शन को देख रही हैं, उस शाजिया से भी हम बात करेंगे। तो मैं आयशा आप ही से अगर आगाज़ करूँ तो ज़रा बताइएगा कि क्या वजूहात है जिसके बिना पर ट्रंप की जो रेटिंग है वो बेहतर हुई और वो जो एक डिफरेंस था उसको कम किया उन्होंने, और ये जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है, पोलिंग हो रही है, तो क्या तवक्को है आपकी ज़ाती तौर पर। देखिए जितनी भी पोलिंग है, मैंने जितने भी जायजे आज सुबह से पढ़े हैं डे टू डे, उसमें क्लिंटन को लीड है, लेकिन और ये कि इलेक्टोरल वोट्स का अगर देखा जाए, अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इलेक्टोरल वोट्स के जरिए होता है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट लीड है। लेकिन इसके बावजूद जिनको कि अमेरिका में बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, वो रियासतें जो किसी की भी तरफ जा सकती हैं अगर ट्रंप किसी वजह से वो जीत जाते हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक जो आपने पूछा कि ये क्या वजह है कि एकदम से उनकी बीच में रेटिंग कम हुई थी फिर बीच में फिर वापस आ गई, तो वो लोग जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सफ़ेद फाम लोग हैं, ख़ास तौर पर पोलिंग के मुताबिक वो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कॉलेज एजुकेटेड नहीं हैं। चूँकि अर्ली वोटिंग में हमने ये देखा कि जो माइनॉरिटी या अकलियतों के वोट थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े, तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनको ये हुआ हो कि वो भी बाहर निकलें और वोट डालें, क्योंकि किसी भी इंतखाब में आप किस का साथ देते हैं ये तो एक बात है, लेकिन आपके हक में कितने आपके वोटर बाहर निकलते हैं ये एक बहुत अहम बात है। इसका हिलरी क्लिंटन को भी डर था क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत कम थी कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनके हक में शायद बाहर ना निकलेंगे, और ट्रंप के बारे में रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा शुबा था कि बहुत सारे जो लोग हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालते रहे हैं वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने घर से ना निकलें। सो ये जो बहुत थोड़ी सी अभी भी हिलरी क्लिंटन के हक में जा रहा है, लेकिन ये जो थोड़ा सा बैलेंसिंग आउट हुआ है, इसकी एक वजह वो वोटर्स भी हो सकते हैं। सही है। आबदा साहबा कितना अहम है पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन, और इस मरतबा तो हमने ये देखा कि अमेरिका में हमेशा ये होता है कि इश्यूज पर बात होती है, वहां के जो मसाइल हैं उन पर बात हो रही होती है, सिक्योरिटी इश्यूज पर बात हो रही है, तो इस दफा तो हमने देखा कि जातियात के ऊपर आकर कैंपेन की है दोनों कैंडिडेट्स ने, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हमें देखा, और हमेशा से ये
یہ روایت بھی رہی ہے کہ جو جیت جاتا ہے اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ تو پہلے ہی سے دھاندلی کا شور وہاں پہ بھی مچ گیا، تو وہ الیکشن کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں، اور پلس ہمارے پاکستانیوں کے لیے کتنا اہم ہے یہ الیکشن؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے یہ الیکشن کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے روابط ہیں وہ جو اس وقت ہیں، امکان یہ ہے کہ وہ قائم رہیں گے. ہلری کلنٹن منتخب ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کو جانتی ہیں، وہ چار مرتبہ ہمارے ملک میں آ چکی ہیں، ہمارے ایشوز کو سمجھتی ہیں، تو ہمارے لیے قدرے بہتر ہے کہ وہی منتخب ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان نون کموڈیٹی ہیں، انہوں نے بین الاقوامی امور پہ کیمپین کے دوران کوئی خاص اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا. یہ کہا ہے کہ آسٹریلیا کو، جاپان کو، ساؤتھ کوریا کو نیوکلیئر ویپنز بنانے لینے چاہیے تاکہ ہم ان کی تحفظ کا بوجھ نہ اٹھائیں. اس کے علاوہ اس نے اور کوئی ہمارے خطے کے حوالے سے تو کوئی کسی قسم کا تذکرہ نہیں کیا. سو وہ ان نون کموڈیٹی ہے. لیکن کیونکہ زیادہ چانس اس وقت لگ رہا ہے کہ ہلری جیت جائیں گی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تعلقات پہ ہلری کے جیتنے کا کوئی مثبت یا منفی اثر نہیں ہوگا. جس نہج پہ تعلقات اس وقت ہیں، امکان یہی ہے کہ اسی طرح سے چلیں گے. ظاہر ہے وہ اوباما کی جو پالیسیز ہیں اس کی اگر کنٹینیوٹی ہوگی تو پھر تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا ہوں گے. جو اوباما کی حکومت کے ساتھ ہیں وہ ہلری کے ساتھ. دیکھیے یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی ہیں نا چار سال، جی. سو ان کی پالیسیز کی وہ کنٹینیویشن ہوگی. ہندوستان کو ترجیح ہے امریکہ کی جانب سے ہمارے خطے میں، اور ہماری ثانوی پوزیشن ہے. چاہیے جج صاحب، یہ جو میں نے ابھی ابتدائی میں ذکر کیا کہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی، ٹیررزم پر نئے صدر کی پالیسی کیا ہوگی، اب اس سوال کا جواب اگر ہلری کی جیت ہے تو کافی حد تک ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوگا. لیکن اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں، اگرچہ اس کا امکان کم نظر آ رہا ہے ابھی تک، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو آپ کو کچھ کیا فرق نظر آتا ہے؟ افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ جیسی پرسنالٹی کو پرڈکٹ کرنا میرے خیال میں اٹ وڈ بی اے فار کرائی فار می کہ میں ان کے بیہیویئر کو پرڈکٹ کر سکوں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی کیمپین چلائی ہے، انہوں نے دو تین بڑے عجیب ایشوز کو چھیڑا ہے جو اس سے پہلے امریکہ کی پالیٹکس میں نہیں ہوتے تھے. ایک یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک میڈیا پہ الزام لگا کہ میڈیا بائسڈ ہے، اور بلک آف دا چینل آؤٹ آف 53 آر سپورٹنگ ہلری. پھر انہوں نے فرسٹ لیڈی پہ بھی الزام لگایا اور پریزیڈنٹ اوباما پہ کہ آپ حکومت کریں، آپ کیمپین کیوں چلا رہے ہیں ان کی. تو اس طرح کا پھر ریسزم کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو انہوں نے ہندو ووٹ کو اپیل کرنے کے لیے انہوں نے ان کو اپیل کیا، ہلری نے مسلم ووٹرز کو اپیل کرنے کی کوشش کی، اور پھر مائنارٹیز کے ووٹ کو اپیل کی گئی جو کہ پہلے اتنا پریڈومیننٹ فیکٹر امریکن پالیٹکس میں نہیں ہوتا تھا. عائشہ مے بی ایبل ٹو پٹ اے بیٹر تھرو اے بیٹر لائٹ آن دس. تو یہ فیکٹرز پہلے اتنے پریڈومیننٹ نہیں ہوتے تھے، یہ ایک نئی انٹروڈکشن ہے، ایک نئی چیز آئی ہے. پھر جیسے ابھی سیدہ عبدہ صاحبہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے، امریکہ اس وقت تک نان پرولیفریشن کا اور نیوکلیئر ویپنز کو کنٹرول کرنے کا دائی رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دنیا کو نیوکلیئر، حالانکہ کہتے کچھ ہیں نان، خود بھی این پی ٹی کے سگنیٹریز نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ کہہ دینا کہ کوریا کو اور جاپان کو اپنے نیوکلیئر ویپن بنا لیں تاکہ ہمارا برڈن اضاف ہو جائے. صحیح. پھر ایک ڈپارچر کی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی میں پیوٹن کی طرف جاؤں گا اور ہم ہاتھ بڑھائیں گے، اور پیوٹن، صدر پیوٹن کے ساتھ ہم اپنے ڈفرینسز کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ریجن میں جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اس کو ہم ریڈیوس کریں گے. تو یہ ایک ایسی ڈائیورجنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، ایک طرف ڈومیسٹک پالیٹکس کو پولرائز کر دینا، ریسزم کو جنم دینا، کیریکٹر اسیسینیشن. بلکہ یہ وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے کہا جی اگر میں ہار گیا تو میں الیکشن ریزلٹس کو چیلنج کروں گا. دس از ویری اسٹرینج. حالانکہ ہم نے ٹریڈیشنلی دیکھا یہ روایت نہیں ہے وہاں پر، امریکہ میں یہ روایت نہیں رہی، وہ مبارکباد دینے میں پہل کرتی ہے ہارنے والی پارٹی. تو اس طریقے سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرڈکٹ کہ ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں تو اگر وہ ان باتوں پہ چل پڑتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ اعلانیہ کہہ دیا کہ جی میں امریکہ اور ہندوستان ایک نئی جہد کی دوستی کا آغاز کریں گے، اور ہم ایک مثالی فرینڈشپ کا آغاز کریں گے، اس سے ایک ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ہلری کا بھی
लीनिंग उधर ही रहेगी, क्योंकि वो एक्सटेंशन होगी ओबामा की पॉलिसीज की एक्सटेंशन होगी ना वो तो। लेकिन अगर क्लिंटन आते हैं और वो भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को गले लगाएंगे और इस दोस्ती को एक रिकॉर्ड फ्रेंडशिप में बदल देंगे, तो उससे हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमारी सिग्निफिकेंस, तो पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रंप के जीत जाने की सूरत में एग्जैक्ट खदोखाल हमारे रिलेशनशिप के क्या निकलेंगे और वो अपनी इंटरनेशनल। लेकिन वहां हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पेंटागन और स्टेट एक बड़ा स्ट्रांग सेक्टर है वहां। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी जब ओबामा आए थे, जस्ट वन वर्ड, इब्तदाई तौर पे उन्होंने कहा था कि गंटानामो बे को क्लोज करने का और इधर से फोर्सेस रिड्यूस करने की बात की, लेकिन पेंटागन ने 40,000 ट्रुप्स की रीइंफोर्समेंट जो अफगानिस्तान में चाहिए थी उन्होंने 39,900 भी एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने कहा जी 40 हैं और 40 ही करने पड़े। 9 months की रेजिस्टेंस के बाद उन्होंने 40 करवा लिए। तो स्टेट का और अदारों का काम किरदार रहेगा जो उनको चैनलाइज करेंगे उनकी सोच। ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद मैं आयशा से आपके सामने सवाल रखता हूँ। अभी जैन साहब ने तस्करा किया कि इंडियन कम्युनिटी वहां पर जो मौजूद है और मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनका कितना रोल होता है? और एक दानिस्ता कोशिश की ट्रंप ने इंडियन कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए और एक नारा भी दिया, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और मुस्लिम कम्युनिटी अगरचे वो बहुत कम तादाद में है, क्या उनका भी कोई रोल होता है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाजिया जिशान हमारी एंकर पर्सन वहाँ वॉशिंगटन में मौजूद हैं। शाजिया, किस तरह से, किस माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या गहमा गहमी है यहाँ पर, क्या देख रही हैं आप? असल सबसे तो पहले मैं आपको ये बताऊं, गहमा गहमी की आप बात कर रहे हैं, हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं बड़ी गहमा गहमी होती है, नारेबाजी हो रही होती है, सड़कों पर नारे लग रहे होते हैं, हर जगह छुट्टी होती है, जगह जगह बैनर्स होते हैं। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में यहाँ पर लाइफ चल रही है। लोग आते हैं, वोट कास्ट करते हैं और नॉर्मल रूटीन अपनी जो है ना वो जॉब्स पे चले जाते हैं। इस तरह के माहौल में यहाँ पे वो हो रही है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े और वोटिंग रोक दी जाए किसी लड़ाई की वजह से, फायरिंग के वाकयात की वजह, ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दोनों में काफी सख्त मुकाबला जारी है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्हें अपने आज के वोटिंग से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट किया था, पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, मिनिसोटा है। ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं असर जहां पर 1972 से लेकर अब तक रिपब्लिकन्स ने कभी नहीं जीता है। तो इन 3 स्टेट्स को टारगेट करने की कोशिश की है, इन 3 स्टेट्स को डेमोक्रेट्स की स्टेट्स कहा जाता है। तो अब काफी पुरउम्मीद नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हामी भी, और इस दफा उनकी कोशिश है कि इन 3 स्टेट्स में से वो रिजल्ट जो है वो अपने नाम कर सकें। लेकिन अब देखना यह है कि इन 3 स्टेट्स का जो रिजल्ट है 1972 से लेकर अब तक तो कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब चेंज होता है या नहीं होता है ये जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा हिलरी भी अपना वोट कास्ट कर चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। 1-2 पोलिंग स्टेशन पर मैं भी गई, वहां पर हिलरी एक लाइन में हिलरी के हामी भी खड़े थे, डोनाल्ड ट्रंप के हामी भी खड़े थे, अपनी अपनी रीजन दे रहे थे। जो सरमायादाराना तबका है, कुछ बिजनेसमैन से भी मेरी बात हुई, जो बिजनेसमैन तबका है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जलसों में, अपनी कैंपेन्स में उनके टैक्सेस को कम करने की बात की थी। लेकिन जो हिलरी क्लिंटन के लोग हैं, हिलरी क्लिंटन के हामी हैं, उनका कहना है कि जो आजाद ख्याल है हिलरी क्लिंटन, वो तमाम जो लोग हैं किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, उनको वेलकम करती हैं। लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपनी कैंपेन में शुरू में ये नारा लगाया था अमरीका अमरीकियों का है, जिसके बाद पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा तश्वीश बढ़ गई थी कि अल्लाह ना करे, लोग कहते हैं अल्लाह ना करे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आ गए तो इमिग्रेंट्स का और उन लोगों का यहाँ पर क्या हाल होगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। शाजिया जरा साथ ही रहिएगा। आयशा, जो लोग ट्रंप को वोट, वो ट्रंप को के लिए वोट क्यों करेंगे और जो हिलरी को वोट देंगे वो हिलरी को वोट क्यों देंगे, किस बुनियाद किन बुनियादों पर वोट कास्ट किया जा रहा है इन दोनों के लिए? बड़ी मजे की बात इस इलेक्शन में है कि ये अमेरिका का पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद ये इलेक्शन है जिसमें जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत ही कम रही है, वरना अमूमन ये होता है कि पॉपुलैरिटी रेटिंग हाई होती है। तो इस वक्त जो जायजे हैं उनमें जो हिलरी क्लिंटन के वोट हैं वो उन लोगों के वोट हैं जो ट्रंप से ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट जो भी
जो उसको वोट देंगे, और जो ट्रंप के वोट हैं वो इसलिए हैं कि लोग जो हिलरी क्लिंटन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं वो उनके खिलाफ जो भी हो उसको वोट देंगे। सो ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को वोट देने के बजाय लोग किसी उम्मीदवार के खिलाफ वोट दे रहे हैं ज्यादातर। एग्जैक्टली लेकिन जो दूसरे वोट्स हैं वो हैं जो हार्ड कोर वोट्स हैं और जो इश्यूज पे हैं। इस इलेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि हिलरी क्लिंटन जब जीती तो बर्नी सैंडर्स एक बहुत ताकतवर उनके मुखालिफ थे, तो जो उनका एजेंडा बना फाइनली वो बहुत ज़्यादा लिबरल था। हिलरी क्लिंटन खुद सेंट्रिस्ट हैं, इतनी लिबरल नहीं है जितना उनका जो एजेंडा था जब कन्वेंशन हुआ उसमें बना, और वो बर्नी सैंडर्स का इन्फ्लुएंस था। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुद सेंट्रिस्ट थे, बहुत सारी पोजीशंस उन्होंने चेंज की हैं अपनी रिपब्लिकन पार्टी में आने की वजह से, अब बहुत सारे और इश्यूज पे चेंज की है, तो उनका जो एजेंडा बना वो बहुत ज़्यादा राइट विंग था क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में उनके मुखालिफ जो लोग थे वो ज़्यादा सख्तगीर थे इनके मुकाबले में। सो ये जो वोटर्स हैं ये इशू की बेस पे वोट देंगे, जो रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशनल इशूज़ हैं और नेशनल सिक्योरिटी आ जाता है जिसमें, और सेम ऑन द डेमोक्रेटिक साइड के उनके साइड पे जो इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इशू बेस्ड वोटर्स हैं, जो भी कैंडिडेट होगा वो अपने इशू को वोट डालेंगे। ठीक है, अच्छा आफदा साहिबा, ये एक तो है कि जैसे अभी जन साहब कह रहे थे कि इदारे पॉलिसी बनाते हैं और इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता कि कौन प्रेसिडेंट है और कौन सी पार्टी से वो इलेक्ट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगर देखें कि एक पार्टी है रिपब्लिकन है, अब रिपब्लिकन में कौन शख्स प्रेसिडेंट बन रहा है इसका कितना फर्क पड़ता है, ट्रंप की जगह कोई और शख्स अगर इलेक्ट होकर आ गए होते, यानी पॉलिसीज पार्टी की बुनियाद पर चल रही होती हैं या किसी शख्सियत की अपनी सोच का अमल दखल भी होता है और वो कितना होता है? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि वो ख्वाजा अमूर में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। पॉलिसी ज़्यादातर तो उनका इदारा फ्रेम करता है, लेकिन जो सदर है उसको बहरहाल हतमी राय उसकी होती है और वो हतमी राय जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो अमेरिका की सियासत में रुझान आया है मनफी वोट डालने का, जो हमारे यहाँ भी इस तरह से होता है, वी वोट अगेंस्ट मोर देन फॉर, तो ये भी इस नए ट्रेंड का पॉलिसी मेकिंग पे कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा आगे बढ़े तो पता चलेगा। एक बात क्लियर है और वो ये कि क्योंकि हिलरी क्लिंटन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं, सो इम्कान यही है कि वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा सस्टेन करेंगी, उनका अपना ज़ाती इनपुट शायद इतना ना हो। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक अननोन कमोडिटी हैं और इन्होंने खारजा अमूर पे, जिस मैंने अर्ज़ किया था, कम तबसरा किया अपनी कैंपेन के दौरान, तो ये पॉलिसी पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करेंगे और किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे, ये एक अनचार्टेड कंट्री है, इसका कुछ पता नहीं कि ये क्या करते हैं। सही, जहाँ तक हमारी हमारे यहाँ जो हिलरी के लिए सिंपैथीज ज़्यादा हैं और यहाँ अगर आप आम पाकिस्तानियों से आप पूछें तो वो कहेंगे कि जी हिलरी को जीतना चाहिए, उसकी बुनियादी वजह आपको सिर्फ ये लगती है कि चूंकि ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर लोग ये सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ट्रंप के उस बयान ने उसको नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा देखिए, अमरीका में पहली मरतबा एक सदर खातून मुंतखब होंगी और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में औरतों की हमदर्दी नुमायाँ तौर पे उनके साथ है, और ये भी समझा जाता है कि हिलरी क्लिंटन हमारे जैसे पाकिस्तान में तो औरतें कभी औरतों की हामी नहीं रही, यहाँ तो औरतें औरतों की मुखालिफ हैं। ऐसी बात नहीं, मुझे तो हमेशा औरतों ने ज़्यादा वोट दिए। ये हिलरी क्लिंटन के बारे में आम तासुर है कि वो हमारे मुल्क को जानती हैं, समझती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो मनफी गुफ्तगू की मुसलमानों के हवाले से वो लोगों के जहन में है और उसका बड़ा असर है। और फिर उन्होंने जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ बात की, क्योंकि हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुकीम हैं, गालिबन 2 मिलियन के करीब अमेरिका में, तो वो भी उनकी बात जो है वो पसंद नहीं की गई। ठीक,
صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ذرا امریکی انتخابات جو جاری ہیں، ذرا شازیہ سے بھی مزید بات کریں گے. جن صاحب کے سامنے جو میں نے پہلے سوال رکھا تھا اس میں ایک نقطہ رہ گیا اور جو میرے نزدیک بڑا اہم نقطہ ہے وہ سیپیک کے حوالے سے ہے. تو میں ذرا جن صاحب کے ساتھ سے جاننا چاہوں گا کہ سیپیک پر جو آنے والا صدر ہے، چاہے وہ ہلری ہوں چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، ان کی پالیسی کیا، ان کو کیا لگتا ہے کیا ہوگی؟ جو ابھی اوباما کی چل رہی ہے، جو امریکا کی چل رہی ہے، وہی ہے، اس میں کچھ فرق دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شازیہ ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ، یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی موجود ہے یا پاکستانی نژاد امریکنز ہیں، وہ ان انتخابات کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور کس بنیاد پر ان انتخابات کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ اصل پاکستانی کمیونٹی سے، جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی سے میری بات ہوئی، 95% جو لوگ ہیں پاکستانی امریکنز ہیں وہ ہلری کے حق میں ہیں. جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ہلری وزیر خارجہ رہ چکی ہیں بطور وزیر خارجہ، انہوں نے پاکستان کے متعدد بار دورے بھی کیے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے روابط بھی رہے ہیں. بل کلنٹن کے دور میں بھی، بل کلنٹن بھی پاکستان کے ساتھ اچھے روابط قائم رکھے. اس کے علاوہ لوگوں کی ایک اور سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ایکسپیرینس ہے، ان کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کیسے چلانا ہے، وہ وائٹ ہاؤس میں رہ چکی ہیں اور بطور وزیر خارجہ بھی کام کر چکی ہیں، اس لیے ان کو پتا ہے کہ امریکنز کیا چاہتے ہیں. اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے امریکنز کے لیے، یہاں لوگوں کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان لوگوں کے لیے میٹر نہیں کرتا، کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہلری آئے یا ڈونلڈ ٹرمپ آئے، وہ فارن پالیسی کیا بنائیں گے، خارجہ پالیسی کیا بنائیں گے. ان کو سروکار ہے کہ انہیں اچھی تعلیم ملے گی، انہیں سروکار ہے کہ انہیں اچھی صحت ملے گی، اچھی ایجوکیشن ملے گی. اب آپ کو پتا ہے کہ اوباما کی جو ہیلتھ اسکیم ہے، ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے، وہ ان بہت سستی ہے اور بڑا لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اس پہ ٹیکسز بہت کم ہے، آلموسٹ فری علاج کیا جاتا ہے. لیکن جب ٹرمپ نے جلسوں میں بات کی کہ اوباما کی جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے میں آتے ہی اس کو ختم کروں گا، تو لوگوں میں اور زیادہ تشویش دوڑ گئی کہ ایک بیسک علاج کی نیڈ ہے، وہ ٹرمپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں. اس طرح کے منفی بیانات کی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا ہلری کی طرف جا رہے ہیں، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہلری نے یوتھ کو بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے. اٹریکشن کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اسٹڈیز ہیں، اسکول کے بعد اسٹڈیز بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تو آپ نے بتایا کہ ہلری کو لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کے پاس کیا لاجکس ہیں؟ ٹرمپ کے، میں نے جتنے ٹرمپس کے یہاں پہ اسد ووٹرز دیکھے ہیں نا، وہ بزنس مین ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں. میں ورجینیا میں کل موجود تھی، دو تین ریسٹورانٹس میں بھی گئی، میں کچھ لوگوں سے بات بھی کر رہی تھی، اور ریسٹورانٹ کے جو مالک تھے، آنرز تھے، جب میں نے ان سے بات کیا تو وہ کہہ رہے تھے ہلری تو آ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دے گی، ہلری کو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. جو ٹرمپ ہے یہ بزنس مین کے لیے بہت اچھا ہے، بزنس مین کے لیے اس نے ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا ہے، ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کی زیادہ جو ٹرمپ کی تقریباً 40-50% پالیسی ہیں وہ بزنس مین کے حق میں جاتی ہیں. اس لیے جتنے بھی میری بزنس مین کلاس سے بات ہوئی تو صاف فرق لگ رہا تھا کہ جو بزنس کلاس طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، وہ سارا جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. اوباما نے کل جب مشیگن میں وہ گئے، انہوں نے کہا ووٹرز کو کہا کہ آئیے تاریخ بنائیے، اور تاریخ بنے گی جب ایک خاتون امریکی تاریخ کی پہلی صدر بنے گی. لیکن تاریخ دوسری طرف سے بھی بنے گی، وہ اس طرح کہ امریکی تاریخ میں کوئی بزنس مین بھی کبھی امریکی صدر نہیں بنا. تو اوباما، اب تو ہلری کلنٹن صدر بنے یا ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے، دونوں طرح سے تاریخ بنے گی. اسد کل، ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ شازیہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھیں وہاں سے. جنرل صاحب، اب میں ذرا چاہوں گا کہ جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس پر ذرا مزید آپ گفتگو کریں، اور خاص طور پر سیپیک کے حوالے سے کہ نیا جو صدر، امریکی صدر ہوگا، اس کی نظر میں یہ سیپیک کا منصوبہ کیا ہوگا، وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا؟ کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا کھلم کھلا اعلان کر چکا ہے، اور یہاں پر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے، تو نیا صدر کس طرح سے دیکھے گا؟ دیکھیں، سی پیک از ون، چار میجر ایشوز ہیں جن پہ ہمیں امریکہ کی پالیسی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے، نیڈ ناٹ بی سیڈ، کہ امریکہ ایک گلوبل پاور ہے اور ان کے انٹرسٹ بیانڈ باؤنڈریز بھی بہت زیادہ ہیں، وہ پوری دنیا میں ان کے انٹرسٹ ہیں.
इस रीजन में पर्टिकुलरली इस वक्त उनका फोकस है और ये रहेगा। हमारे चार इश्यूज हैं, एक है सीपेक, दूसरा है उनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान में, तीसरा है एनएसजी में एंट्री और उसका स्टेटस, और चौथा है कश्मीर इशू। नॉट प्रायोरिटी वाइज नहीं बात कर रहा हूँ, कश्मीर में भी आर नंबर वन प्रायोरिटी, बट ये चार इश्यूज हैं जिनमें हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। और सीपैक का देखना इसलिए ज़रूरी है कि सीपैक कोई ऐसा हमारे लिए इट्स अ गेम चेंजर, रीजन के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप में ये एक माइलस्टोन है, ट्रूली अ माइलस्टोन। मेरे ख्याल में इस एरिया में $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किसी एक मुल्क में जाना इज़ अ गेम चेंजर, जिसको, और फिर गवादर का ऑपरेशन, जब से हमने सिंगापुर से अमेरिकन एडवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके हम गवादर चाइना के पास ले गए, तो उस वक्त से वो इसे इतनी पसंद की नज़र से नहीं देखते। अब वो इसके अगेंस्ट क्या प्लान लेके आते हैं, एक तो देखने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है इट इज़ लिंक्ड विद सीपैक, क्योंकि सीपैक में डायरेक्ट एंट्री कोई मुल्क नहीं कर सकता, एंटी पाकिस्तान या एंटी सीपैक एंट्री बहुत मुश्किल है, ना फ्रॉम विद इन द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, ना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सेबोटाज करेगी, बिकॉज हर बंदा रियलाइज करता है कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, इसलिए डायरेक्टली सेबोटाज करने का इनिशिएटिव कोई भी नहीं लेगा। इनडायरेक्टली यस, ये एक पसंदीदा अमल उनके लिए नहीं है, पर्टिकुलरली क्योंकि इस रीजन में अमेरिका इस वक्त एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। टर्की उनके हाथ से गुलेन की प्रेजेंस की वजह से और इस अबॉर्टेड कू की वजह से टर्की निकल गया उनके हाथ से, उसने वो शूट डाउन करने की अपॉलोजी भी कर ली प्यूटिन से और प्यूटिन के नज़दीक हो गए हैं। ईरान कभी भी अमेरिका के नज़दीक नहीं जा सकता, और अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करने की वजह से सऊदी अरेबिया भी अमेरिका से थोड़ा डिस्टेंट हो गया, सीरिया ऑलरेडी है, रशिया उनका कभी फेवरेट या फ्रेंड नहीं कह सकते, पाकिस्तान, अच्छा अफगानिस्तान में वो बैठे हैं जहां वो बहुत मुश्किल में है और वो एक फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि यहां से निकलें कैसे या कितना अरसा ठहरना है, तो एट व्हाट कॉस्ट। अब चाइना अगेन, चाइना इज देयर राइवल। मैं आपको कथा कराने के लिए माजरा चाहता हूं, मगर मेरे साथ काफी देर से फोन लाइन पर मौजूद हैं मोहित यूसुफ साहब अमेरिका से। मोहित साहब, मैं आपकी आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे इलेक्शन को, इस बहस में जाए बगैर कि हिलरी जीत रही हैं या ट्रंप जीत रहे हैं, और वो लग भी रहा है कि शायद हिलरी आगे जा रही हैं, क्या फ़र्क नज़र आने वाला है आपको? पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो वो जो पॉलिसीज पाकिस्तान और इस रीजन के लिए रही हैं अमेरिका की, क्या फ़र्क उसमें आपको नज़र आता है आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे नज़दीक बहुत से दुनिया के ममालिक के लिए ये अमरीकी इलेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स में वाज़े फ़र्क है वो किस तरह बहुत सी चीज़ों को खारजा पॉलिसी में अप्रोच करेंगे। जनूबी एशिया के खित्ते में हमारे लिए मेरे नज़दीक ये इलेक्शन उतना अहम नहीं है, क्योंकि अमरीका में वाशिंगटन की सोच में मुझे एक तसलसल भी नज़र आता है, एक कंसेंसिस नज़र आ रहा है, खा वो कंसेंसिस होना चाहिए या नहीं, दुरुस्त है या नहीं, वो एक फ़र्क बात है, लेकिन मुझे लगता है दोनों में से जो कैंडिडेट भी जीता, जनूबी एशिया के खित्ते में एक इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी आपको नजर आएगी, इंडिया को एक इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा होगा अमेरिका की पॉलिसी का। इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान से ताल्लुक टूटने जा रहा है या पाकिस्तान एक अहम पार्टनर नहीं है, उसको उस ताल्लुक को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जहां पर भी बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आएगी, मेरे नजदीक अगले चार साल या कुछ उससे ज्यादा भी मुझे इस वक्त एक हिंदुस्तान प्रायोरिटी नजर आ रही है अमेरिका की, और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो डीहाइफनेशन की जो बात होती है कि उससे अलहदा रख के चलाने की कोशिश होगी। अब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात उसी तरह कशीदा रहे जिस तरह इस वक्त हैं, तो फिर मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगले अमरीकी सदर के लिए इन दोनों ताल्लुकात को अपनी एक पैरेलल ट्रैक पे चलाना और आपस में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल या एड्रेस ना करना। लेकिन बहरहाल इस वक्त पॉलिसी जो है उसमें प्रेफरेंस मुझे लगता है यही है अमेरिका की कि डीहाइफनेटेड रहे, दोनों ताल्लुक अलहदा चलें और इंडिया को प्रायोरिटी मिले जहां भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मामला आए। सही है। और ये कशीदगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो दो तीन अहम निकात क्या हैं जिसकी वजह से ये है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जाहिर है नया सदर अगर चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए और वो इसकी अहमियत को समझे, तो फिर वो किन चीज़ों पर काम करेगा जिसके नतीजे में मामला बेहतर होंगे? देखिए, मेरे नज़दीक दो चीज़ें हैं और बाकी तमाम चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूम,
ایک معاملہ ہے کشمیر کا، دوسرا معاملہ ہے دہشت گردی کا. یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا جو ہے، اگر آپ کہیں ہندوستان اور پاکستان کی جو کشیدگی ہے اس کے تمام پوائنٹس جو ہیں ان دو میں موجود ہیں. ان دو کو اکٹھے لا کے حل کرنا ہوگا کسی بھی بین الاقوامی طاقت کو، اور بہرحال امریکہ دنیا کی واحد پاور ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی بات کی جائے اسی پس منظر میں ہو. اور امریکہ کے لیے میں یہ بھی کہوں گا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی سے، وہ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، اور یہ بات یہاں پہ سمجھی بھی جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ پالیسی کے حساب سے آسان نہیں ہے، کیونکہ جب بھی امریکہ کا رجحان ہندوستان کی طرف ہے تو پھر ہمیں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہم آبجیکشن ریز کرتے ہیں، اور جب بھی پاکستان سے تعلق بڑھتا ہے تو ہندوستان کو کشیدگی اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مشکل کام ہے. لیکن بہرحال میری تو اس پہ یہی سوچ ہے کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان کے معاملات پہ کڑی نظر سے غور نہیں کیا جائے گا اور اس کو ایک حل کی طرف نہیں لے جایا جائے گا، افغانستان میں بھی سلامتی بہت مشکل ہے. صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا معید یوسف صاحب ہمیں اپنا تجزیہ دینے کے لیے. اب عائشہ، یہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں امریکہ میں، اگر ہم انڈینس کی بات کریں، مسلمس کی بات کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نان امریکنس ہیں یا امیگرنٹس ہیں، ان کا کیا رول ہے اس پورے الیکشن میں؟ دیکھیے، امیگرنٹس کا رول امریکی الیکشن میں وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ صدر اوباما کو جو اقلیتیں تھیں انہوں نے زیادہ ووٹ ڈالا. اب اقلیتوں میں جو لاتینوز ہیں، جو اسپینش اسپیکنگ امیگرنٹس ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کا بارڈر ملتا ہے، وہاں سے الیگل امیگریشن نسبتاً آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ انڈیا یا پاکستان سے سات سمندر پار جائیں. پھر جب وہاں پہ الیگل بھی آپ آ جاتے ہیں تو جو آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ امریکی سٹیزن ہی ہوتے ہیں، تو اوور ٹائم ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو جو وہاں پہ لیگل امیگرنٹس ہیں ان کے، دیکھیں اگر وہاں پہ 12 ملین الیگل امیگرنٹس ہیں تو ان کی فیملیز بھی تو ہیں، ان کے دوست بھی تو ہیں، ان کے رشتہ دار بھی. تو وہاں جو لیگل امیگرنٹس ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کو اپنے حلقہ احباب میں جانتے ہیں جو ان کے قریب ہے، جو الیگل امیگرنٹ ہے، جس کی وجہ سے ان کے مسائل ان کے دل کے بہت قریب ہیں. تو ایک تو یہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وہ دیوار بنا دیں گے، وہ روک دیں گے، وہ آنے نہیں دیں گے، وہ سٹیٹس نہیں دیں گے، تو وہ لیگل امیگرنٹس جو ووٹ ڈال سکتے ہیں، جن کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا الیگلی ملک میں موجود ہے، وہ ڈر جاتے ہیں. کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی اس معاملے میں ریلیٹیولی نرم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ان کو آہستہ آہستہ لیگل کیا جائے. تو ایک تو وہ ہو گئے. پھر آپ نے بات کی انڈینز کی، مسلمز کی. ہوتا یہ کہ دو طریقے سے یہ کمیونٹیز اثر ڈالتی ہیں امریکی انتخاب میں. ایک تو ڈائریکٹ ووٹ، اور وہ ووٹ تب ہوتا ہے، اس کا اثر تب زیادہ ہوتا ہے جب کسی حلقے میں ان کی تعداد زیادہ ہو. اور ناٹ جسٹ پریزیڈینشیل الیکشن بلکہ کنگریشنل الیکشن، سینیٹ اینڈ کانگریس مین. دوسرا ہوتا ہے فنڈنگ، کہ آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کو. تو فار ایگزامپل انڈین کمیونٹی بہت آرگنائزڈ ہے. اگر آپ کی کمیونٹی زیادہ آرگنائزڈ ہے اور پوری کمیونٹی کسی ایک امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کا اثر بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کی کمیونٹی ڈیوائڈیڈ ہے اور آدھے ادھر آدھے ادھر ہے، خود بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن صاحب، یہ جو عرب کنٹریز میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال میں جو اوباما کی پالیسی رہی ہے، اس حوالے سے کچھ ہلکی پھلکی اسٹیٹمنٹس تو دی ہیں، خاص طور پر رشیا کے حوالے سے یا بشار الاسد کی حکومت کے حوالے سے شام میں جو کچھ چل رہا ہے، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کچھ چینج آنے جا رہا ہے، یا یہ جو ایک طرح سے ہم یا یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پورے عرب ممالک میں ایک آگ لگائی ہوئی ہے، لیبیا میں ہوا، یمن میں ہوا، شام میں ہوا، عراق میں مزید صورتحال خراب ہی ہوئی ہے، تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ اس میں دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائز نہیں ہے کہ عرب ورلڈ میں جتنا جو کچھ ہوا ہے اور جتنی انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے، آج امریکنز بھی ریئلائز کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ٹونی بلیئر کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی، امریکہ بھی آئی کہ جی ریموونگ سوری کلنگ صدام واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو اس کے ریموول کے بعد آپ دیکھیں کتنی انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی، اور جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہوا. وہ امریکہ کے اگینسٹ تھے، آج 3 اسٹیبلشڈ شیعہ اسٹیٹس ہو رہے ہیں، 4 بلکہ.
तो जो कुछ वो या सऊदी अरेबिया करना चाह रहे थे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर थिंकिंग, वो तो वो नहीं कर सके। तो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट उन्होंने की। अब अगर इस पॉलिसी को वो आगे हेलरी आती है तो एज वी आर सेइंग कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सी चेंज इन देयर पॉलिसीज और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या पेंटागन की थिंकिंग है उसमें भी कोई ऐसी सी चेंज नहीं आएगी। इट वुड बी एक्सटेंशन ऑफ ओबामाज पॉलिसी बट येट देर इज़ अ रियलाइजेशन। और अगर एक स्टेटमेंट आप लें जिसका मैं अभी ब्रेक में जिक्र कर रहा था कि शी इज़ द ओनली लीडर अमेरिकन जिसने ये अफगान पॉलिसी के बारे में कहा कि ये मेस हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, एंड जब हमने ये जंग में मुजाहिदीन की इस फोर्स को खड़ा किया तो वी प्लेड अ लीडिंग रोल, और उसके बाद वी अबैंडन्ड पाकिस्तान एंड लेफ्ट द स्टिंगर्स ऑल ओवर एंड वी सेड ओके यू गो एंड डील विद इट। अगर ये वो सोच आज भी कैरी करती हैं तो मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट के बारे में भी उनकी सोच में कुछ चेंज होगी, बिकॉज देर इज़ ए रियलाइजेशन वर्ल्ड वाइड कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, और जो अभी असाद के खिलाफ वो कर रहे हैं दे हैव लॉस्ट द मिडल ईस्ट परमानेंटली फ्रॉम देम, एलियनेट किया है, रशिया ने असर्ट किया और वो फॉरवर्ड आया तो रशिया ने अपनी स्पेस और क्रिएट कर लिया। पहले दो स्टेट्स होती थी मिडल ईस्ट में जिनको वो फेवर करता था और सुना समझा जाता था कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर हैं, असाद गवर्नमेंट एंड ईरानियन गवर्नमेंट, बट आज तो 6 स्टेट्स हैं जो उनके इन्फ्लुएंस से बाहर हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका इस पॉलिसी के ऊपर सोचेगा और अगर हिलरी आती हैं तो आई एक्सपेक्ट बेटर पॉलिटिक्स फ्रॉम हर एंड ट्रंप इज पाकिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी अभी खासतौर पर पाकिस्तान के टेक्टिकल वेपन्स के हवाले से बड़ी उस पर तश्वीश का इजहार किया कि ये बड़े ख़तरनाक हैं दुनिया के लिए। फिर हमने अभी इसी गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी F-16 के हवाले से भी, तो जहाँ बड़ी होप्स हम हिल्ली से लगा रहे हैं वहाँ पर उनकी माजी की अगर पॉलिसीज को देखते हैं तो ज़्यादा होपफुल तो शायद हम नहीं हो सकते। देखिए, मैं तो नहीं समझती कि हमें कोई ज़्यादा होप लगानी चाहिए। मैं कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ट्रंप इज़ एन अननोन कमोडिटी, उस लिहाज से हिलरी इज़ फेमिलियर एट्सेट्रा, लेकिन हिलरी से हमें कोई लंबी चौड़ी तवक्कात नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही राय है कि जनरल साहब ने दुरुस्त कहा है कि वो इस बात का तो उन्होंने इतराफ़ किया कि वी मेड मिस्टेक्स विज़ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और इत्तेफाक से वो वही पीरियड था जब मैं वहाँ सफ़ीर थी जब इन्होंने हमें नज़रअंदाज किया था। लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक मुस्तकबिल का ताल्लुक है, मेरा अंदाज़ा है कि उनकी पॉलिसी हमारे हवाले से तो जूं का तू ही रहेगा, जूं का तू रहेगा। आखिरी मिनट है आयशा, अमेरिकन्स के अपने इश्यूज क्या हैं जिनको अमेरिकन्स सोच रहे हैं कि नया प्रेसिडेंट आएगा तो रिजॉल्व करेगा? देखिए, जो सबसे बड़ा इन अमेरिकन्स का इशू है वो ये कि पिछली कई दहाइयों से उनकी इनकम में, जिसको कहते हैं ना रियल ग्रोथ, कि ठीक है तनख्वाह बड़ी होगी लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा, लाइफस्टाइल नहीं बढ़ा। दूसरी बात, अमेरिकन बच्चे जब कॉलेज जाते हैं और ग्रेजुएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज चढ़ चुका होता है, तो एजुकेशन उनका मसला है। हेल्थ केयर, ओबामा केयर पर अभी तक जंग जारी है, ये उनके इशूज़ हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो अभी नए सदर ने आते ही लगाना है, तो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन बदल सकती है और जिसकी वजह से अमरीकी बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उन पर असर पड़ सकता है। गन कंट्रोल जो सदर ओबामा बहुत अरसे से कोशिश करते रहे, नेशनल सिक्योरिटी और किस तरह से आइसिस को डील किया जाए, ये वो सारे इशूज हैं जो अमेरिकन समझते हैं कि उनकी डे टू डे लाइफ में इन इशूज का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम आपका, आबदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल जाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था, इलेक्शंस पोलिंग हो रही है, वोटिंग जारी है और रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे तक या कुछ रास्तों में 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और ज़्यादा दूर नहीं है, चंद घंटों में पता चल जाएगा कि अमेरिका का जो नया सदर है वो क्या होगा। तो फिर शायद हम ये बहस कर रहे होंगे कि अब उनकी पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, एक सूरत हाल वाजह हो चुकी होगी। ये प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे इस प्रोग्राम से ज़्यादा।